अब आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संतोष आनंद जी का यहाँ पे शाल पुष्पगुच्छ ट्रॉफी और 1,00,000 रुपए का धनादेश देकर हम आदरणीय संतोष आनंद जी का यहाँ पे स्वागत करें और सत्कार करें। बंबई की जनता, तो बड़ी बात हुई कि आदरणीय पीयूष गोयल जी मिले मुझे। एक जमाना था जब मैं फिल्मों में आया भी नहीं था, तो मेरी ड्राइव पर कवि सम्मेलन होता था, उसमें मैं हर वर्ष आता था, कवि सम्मेलन चलता रहा। पीयूष जी किसी और धारा में निकल गए, आज मिले हैं, मतलब मिले क्या है, पकड़ में आए हैं। अच्छा, मैं तो 97 में बम्बई छोड़ गया था और मेरा ख्याल है वही युग सबसे अच्छा था। एक युग मैंने जिया लक्ष्मीकांत जी की डेथ के बाद में, मुझे यहाँ सब सुना सुना लगने लगा। वो मुझे पहचानते थे, मैं उन्हें और प्यारे भाई ने काम करना छोड़ दिया, तो हमने कहा छोड़ चल अपनी नगरी चल। वहाँ जाके साथ जो मेरे साथ उतार चढ़ाव आए, सुरेश वाडेकर जी से प्रतिदिन भेंट होती थी हमारी, बड़ा मजा आता यहाँ में। और एंड में तो लक्ष्मीकांत जी मुझसे कहने लगे, अच्छा तू यहाँ भी बैठता तो 15 दिन उधर रह ले, 15 दिन ले जाए। बहुत दिन ऐसे ही कट गए और कटते ये हो गया। पहले हम समय को काटते थे, दिल्ली जाने के बाद समय ने हमको काट डाला, जबरदस्त काटा। जिंदगी का एक सुनहरा पल हमको मिला था, वो भी हमारे हाथ से छीन लिया। अब आज मैं काफी दिन बाद यहाँ आया हूँ, शायद 2 साल बाद, अच्छा लग रहा है। आप मेरे दिल में उतर रहे हैं, मैं आपके दिल में उतर रहा हूँ, इससे बड़ा क्या बात, बड़ी क्या बात होगी। जो बीत गया है वो अब दौड़ रहा आएगा, जो बीत गया है वो अब दौड़ आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने और राख उठा दी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी है। बहुत 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 धन्यवाद। और अब 2 महीने बाद मैं भी 85 साल का जवान हो गया होगा, एक उम्मीद है। दर्द और प्यार एक ही चीज के 2 पहलू हैं, पहले प्यार दिया अब दर्द दिया, लेकिन मुस्कराते हैं, मुस्कराता रह गया, जितना भी दर्द मिलेगा और मुस्कुराएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।